My dear students, welcome to all in this video class. I will start a new topic, vector algebra. Vector algebra पढ़ने के पहले हम लोग जानें कि physical quantities क्या है, भौतिक राशियाँ क्या चीज़ है. इसके बारे में कहना है कि those quantities which can be measured are called physical quantities. For example, वेलोसिटी, स्पीड, मास, एक्सेलरेशन, etc. दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. फर्स्ट इज नोन एज स्केलर क्वांटिटीज और स्केलर्स, एंड सेकेंड इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज और वेक्टर्स. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, इसके बाद मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, एडिशन लॉ ऑफ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. बस ये सब कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर है और उसी को कहा गया है वेक्टर अलजेब्रा. देखिए फिजिकल क्वांटिटीज क्या लिखेंगे कि द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड आर called physical quantity. Example में हो गया speed, मास, वेलोसिटी, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं. अब देखिए फिजिकल क्वांटिटीज ये जो है दो प्रकार के हैं. पहला कहा जाता है स्केलर क्वांटिटीज या स्केलर, दूसरा का नाम है वेक्टर क्वांटिटीज और वेक्टर्स. स्केलर क्वांटिटीज क्या है कि दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड बट नो एनी फिक्स डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज और स्केलर्स. Those physical quantities which have magnitude but no any fixed direction are called scalar quantities or
स्केलर्स, एग्जाम्पल में स्पीड, मास, वॉल्यूम, क्या देखा है? स्पीड में मैग्नीट्यूड होगा लेकिन किधर जा रहा है इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। मास का मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड होगा, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा। ये सब इसलिए क्या हो गया जी, स्केलर क्वांटिटीज। और दे दो वर्क, वेक्टर क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड फिक्स्ड डायरेक्शन बोथ आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज आर वेक्टर्स। एग्जाम्पल में हो गया वेलोसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन इटीसी। अब आगे देखना है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या है? ये जैसे मान लिया जाए कि ऐसा है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, पी से पीकी कहो या क्यूपी कहो, बात बराबर है। लिखा रहा यही ऐसा पी क्यू, ऐसा रहा इसको क्या कहेंगे, दिस इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। देखो भाई, यहाँ P को कहेंगे इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ Q को कहेंगे टर्मिनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट। Here P is known as initial point या starting point, and Q is known as terminal या फाइनल पॉइंट, यही हो गया। इसको कहेंगे इनिशियल या स्टार्टिंग पॉइंट, क्यू को कहेंगे टर्मिनल या फाइनल पॉइंट। लिखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर,
ये क्या चीज़ है। तो वेक्टर जो है यह एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, यह वेक्टर इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इफ ए बी बी ए लाइन फ्रॉम ए टू बी देन इट्स length be A, then it is denoted by and read as vector A. ए हो गया, बी हो गया, ए से बी, इतना दैट इज वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए। डब्ल्यू आर हैमिल्टन इज नोन एज फादर ऑफ, देखो जी डब्ल्यू आर हैमिल्टन ही इसका खोज किया, डब्ल्यू आर हैमिल्टन इज नोन एज फादर ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कि द पॉजिटिव नंबर विच मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड इट्स मॉडुलस। क्या लिखेंगे जी, लिखेंगे क्या कि द पॉजिटिव, द पॉजिटिव नंबर विच मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड इट्स मॉडुलस, दैट इज मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर ए इज डिनोटेड बाई एस, जो जो उसका वैल्यू होगा वही उसका मॉडुलस कहलाएगा, जो उसका मैग्नीट्यूड होगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। यह टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखिए, पहला को कहते हैं जीरो या नल वेक्टर। जीरो या नल वेक्टर क्या कहेंगे भाई कि वैसा वेक्टर जिसका मॉडुलस या मैग्नीट्यूड को हो जीरो हो और उसका डायरेक्शन जो हो वह इनडिटर्मिनेट हो, जिसके डायरेक्शन को डिटर्मिनेशन नहीं किया जा सके, इसमें इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम होते हैं। तो क्या लिखेंगे, द वेक्टर
होज मैग्नीट्यूड बी जीरो एंड डायरेक्शन बी इनडिटर्मिनेट इन जीरो वेक्टर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट बोथ आर सेम दिस इज डिनोटेड बाय एग्जाम्पल में ए ए क्या देख रहा जी इनिशियल टर्मिनल दोनों सेम है इनिशियल टर्मिनल दोनों सेम है एटीसी कोई भी नॉन जीरो वेक्टर जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड या मॉडुलस जीरो ना हो वो सारे के सारे प्रॉपर वेक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी? प्रॉपर वेक्टर। तो क्या लिखोगे? एनी नॉन जीरो वेक्टर्स आर कॉल्ड आर कॉल्ड ए प्रॉपर वेक्टर। प्रॉपर वेक्टर। अगले का नाम है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको कहेंगे? कि वैसा वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड वन हो। क्या कहोगे? द वेक्टर हुज मॉडुलस बी यूनिटी दैट इज वन इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर इफ कैप यह बी एनी वेक्टर देन इट्स यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाई क्या पढ़ेंगे इसको? कैप ए। कैप ए एंड डिफाइंड है लाइक वेक्टर। क्या चीज़ है? वैसे वेक्टर जिसके डायरेक्शन सेम हो बट मैग्नीट्यूड नीड नॉट बी इक्वल। वो कोई जरूरी है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन सेम हो। क्या लिखेंगे? दोज वेक्टर्स हुज
डायरेक्शन भी सेम, आर कॉल्ड लाइट वेक्टर्स। हेयर मैग्नीट्यूड नीड नॉट बी इक्वल, नीड नॉट बी देख लो दो वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अनलाइक कब कहलाएगा दो वेक्टर? जब उसके डायरेक्शन सेम ना हो। दो वेक्टर्स हुज डायरेक्शन बी नॉट सेम, क्या कहलाएगा जी? अनलाइक वेक्टर्स कहलाएगा, अनलाइक वेक्टर्स। हेयर मैग्नीट्यूड इसका भी सेम हो भी सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है। डायरेक्शन अपोजिट हर हाल में होनी चाहिए। कोप्लेनर वेक्टर्स, यदि दो वेक्टर ऐसा हो जो सेम प्लेन में वह लाइव करता हो या कोई वह किसी प्लेन के पैरेलल हो, क्या लिखेंगे? दो वेक्टर्स विच lies in same plane या parallel to any plane are called coplanar vector। ये देखिए एक ही प्लेन में लाइज कर रहा थी, कोप्लेनर है, अदरवाइज नॉन कोप्लेनर, अदरवाइज नॉन कोप्लेनर। निगेटिव वेक्टर कब कहलाएगा? यदि कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो, वैसे पोजीशन में उसको क्या कहेंगे जी? निगेटिव वेक्टर। द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड भी सेम बट डायरेक्शन भी अपोजिट। यह एग्जाम्पल में इफ कैपिटल ए भी इफ या वेक्टर ए बी एनी वेक्टर देन इट्स निगेटिव वेक्टर इज माइनस वेक्टर है। इसका मतलब वेक्टर ए बी नॉट इक्वल टू वेक्टर बी है, वेक्टर ए बी बराबर माइनस वेक्टर बी है। यह हो गया वेक्टर ए बी
ये हो गया वेक्टर ए बी, ये हो गया वेक्टर बी। यदि इतना इक्वल टू वेक्टर ए हो तो इतना इक्वल टू माइनस वेक्टर ए हो। देखिए यदि कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, यदि ए से बी तक 5 किलोमीटर हो तो बी से ए भी 5 किलोमीटर होगा जी, तो मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया। लेकिन ए से बी का मतलब ए से बी की ओर मेजर करेंगे और बी ए मतलब बी से ए की डायरेक्शन में, इसका मतलब कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यह एक दूसरे का क्या कहलाएगा जी, निगेटिव वेक्टर। कोई भी दो वेक्टर को इक्वल कहलाने के 3 कंडीशन है। पहला कि उसके मैग्नीट्यूड जो हो इक्वल हो, दूसरी बात कि उसके डायरेक्शन सेम हो, और तीसरी बात कि वह एक दूसरे के पैरेलल हो। क्या लिखेंगे, एनी टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कॉल्ड इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड भी इक्वल, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। तीसरी बात दे हैव सेम डायरेक्शन, या देख हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी। आज जैसा कि आप लोग के यह नया टॉपिक स्टार्ट किया गया, जो भी ये सब हैं सारे के सारे थ्योरेटिकल हैं, इसलिए इसके जो भी वीडियो है इसको बार बार आप लोग शुरू से अंत तक इसको देखें ताकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अगले क्लास में हम लोग ट्रायंगुलर ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर का थ्योरी पढ़ेंगे और साथ साथ इसके एक्सरसाइज चालू होंगे। आप लोग इसको रिवीजन करके आइएगा, रिवीजन करिएगा।